नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनवाड़ी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सपने में यदि आपने अपने किसी पूर्वज को बाल संवारते हुए देखा है, या फिर आपने ऐसा देखा है कि जो पूर्वज आपके हैं वो बाल नहीं संवार पा रहे हैं, तो आपने उनके बाल संवारे हैं, बाल सुलझाए हैं, तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, चाहे आपने सपने में किसी पूर्वज में स्त्री को देखा हो या फिर किसी पुरुष को देखा हो, दोनों के लिए ही बात की जा रही है। और साथ ही साथ यह सपना चाहे स्त्री ने देखा हो, किसी पुरुष ने देखा हो, किसी लड़के ने देखा हो या किसी लड़की ने देखा हो, सबके लिए हम इस सपने का मतलब बतला रहे हैं। दोस्तों, यह सपना जो है आप अपने दादी बाबा के रूप में किसी पूर्वज को देख सकते हैं। अगर आपके माता पिता नहीं संसार में तो उनको भी आपने देखा होगा, या फिर अपने नानी नाना या फिर कोई ताऊ चाची चाचा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपका पूर्वज में हो सकता है। दोस्तों, इस सपने का मतलब बताने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग आते हैं कमेंट में ये बात कहते हैं कि आपने सपने का जो मतलब बता दिया, मेरे जीवन में वो चीज़ घटित नहीं हुई। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने रात्रि में स्वप्न देखा और सुबह ही उठते ही आपको उसका फल मिल जाए। दोस्तों, सपने का जो फल की अवधि होती है काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने रात्रि के किस पहर में सपने को देखा है। मित्रों, यदि आप रात्रि में 12 बजे के आसपास कोई सपना देख रहे हैं तो इस सपने को फलित होने में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग जाता है। और वहीं पर यदि आप जो है सपना जो है 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में देख रहे हैं तो यह सपना जो होता है 4 से 6 महीने में आपको फल देता है। वहीं यदि 3 से 4 बजे के बीच में आप कोई सपना देख रहे हैं, 4:15 के आसपास कोई सपना देख रहे हैं, तो यह सपना जो होता है 1 से 1.5 महीने में आपको फल दे देता है। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने से जस्ट पहले कोई सपना देख रहे हैं तो यह सपना कहीं ना कहीं आपको जो है 24 से 48 घंटे में अवश्य फल दे देता है, चाहे वो सपना शुभ हो या फिर अशुभ। तो दोस्तों, आइए आपको बतलाते हैं कि सपने में आपने अपने किसी भी पूर्वज को या ढेर सारे पूर्वजों को बाल संवारते हुए देखा है तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बतलाया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, सपने में अपने किसी भी पूर्वज को बाल संवारते हुए, बाल सुलझाते हुए देखा है तो यह सपना देखना देखने वाले इस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक स्वप्न है। दोस्तों, सपने में अपने किसी भी पूर्वज को बाल संवारते हुए देखना कोई अशुभ सपना नहीं होता है, अतः इस सपने को देखने के पश्चात घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बतलाया गया है कि यदि आपने सपने में अपने किसी पूर्वज को बाल संवारते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि वे प्रसन्न हैं, वो जहाँ भी हैं, जिस लोक भी हैं, वहाँ जिस लोक में भी हैं वो वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक हैं और आपको वहीं से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए आपको सपने के माध्यम से दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कृपा दृष्टि, यानी कि समझ लो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सपना देखना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही शुभ होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी सपने का मतलब जान सके तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।